तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट फॉर डिविज़िबिलिटी ऑफ नंबर्स तो बेसिकली कुछ टेस्ट देखेंगे जिसमें आप नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हो तो देखो इज़ द नंबर थर्टी एट डिविजल बाई टू क्या थर्टी एट डिविजल है टू फोर या फ़ाइव से तो बाय एक्चुअली डिवाइडिंग थर्टी एट बाई दीज नंबर वी फाइंड जब हम एक्चुअली डिवाइड करके देखते हैं ना तो हमें ये आंसर मिलता है कि ये टू से तो डिविज़िबल है लेकिन फोर और फाइव से डिविजल नहीं है तो लेट अस सी वेदर वी कैन फाइंड अ पैटर्न क्या हम कोई ऐसा पैटर्न ढूंढ सकते हैं जो हमें डायरेक्टली ये बता सके कि ये नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन से डिविजिबल है या नहीं है डू यू थिंक सच पैटर्न कैन बी इजली सीन क्या आपको ऐसे पैटर्न देखते ही पता लग सकते हैं ईजली सो so, देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई टेन तो यहाँ पे है चारू वॉज़ लुकिंग एट द मल्टीपल्स ऑफ चारू जो थी वो टेन के मल्टीपल्स को देख रही थी जो मल्टीपल्स हैं टेन के वो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी हैं उसने फाइंड आउट किया कि कुछ जो तो है वो कॉमन है नंबर्स में तो कैन यू टेल कि क्या कॉमन है ऑबियसली यहाँ पर जीरो वन प्लेस पर आ रहा है ये चीज़ कॉमन है सो so, उसने सोचा कि कुछ और नंबर जिन पे वंस प्लेस पे ज़ीरो आता है जैसे हंड्रेड थाउजेंड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेवन थाउजेंड टेन तो बेसिकली वो टेन से डिविज़बल हैं ठीक है तो उसने फाइंड आउट किया ये सारे नंबर्स जो हैं वो टेन से डिविजिबल हैं तो उसने फाइंड आउट किया कि जीरो जब वंस प्लेस पे रखा जाता है तो इट मीन्स कि वो टेन से डिविजिबल होगा ही होगा तो कैन यू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी रूल फॉर हंड्रेड हंड्रेड के लिए भी सेम डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा ना क्योंकि लास्ट में टेन आ रहा है वंस प्लेस पर अब बात करते हैं फ़ाइव के डिविजिबिलिटी के बारे में सो मनी फाइंड आउट या फाउंड आउट इंटरेस्टिंग पैटर्न इन नंबर्स फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव क्या है इस पैटर्न में तो आप यूनिट प्लेस देखिए तो सारे जो नंबर्स हैं या तो वो जीरो हैं या फिर वो फाइव आएंगे ठीक है तो हमें पता है कि ये जो नंबर्स हैं ये फाइव से डिविजल हैं सो मनी टू कप सम नंबर्स मोर नंबर्स उसने लिए जो कि फाइव से डिविजिबल है जैसे वन हंड्रेड फाइव टू हंड्रेड फिफ्टीन ठीक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगेन ये जो नंबर्स थे इनमें वन्स प्लेस पे जीरो या फाइव आ रहा था तो ही ट्राई टू डिवाइड ट्वेंटी थ्री फिफ्टी सिक्स एंड नाइन्टी सेवन उसने ट्राई किया फाइव से डिवाइड करने का विल बी एबल टू डू दैट क्या वो ऐसा कर पाएगी तो ऑब्वियसली नो तो ही ऑब्जर्व्स की मनी यहाँ पे बेसिकली लड़का है तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो इधर ज़ीरो या फ़ाइव है जब वो वंस प्लेस पे आता है तो वो फ़ाइव से डिविज़िबल होता है ठीक है एंड अदर दूसरे जो नंबर्स होते हैं उनमें हमेशा रिमाइंडर रह ही जाता है तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ़ टू की चारों ने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ मल्टीपल्स जो हैं टू के जैसे कि टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एक्सेट्रा एंड दूसरे जो ये नंबर्स हैं जैसे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन 4156 थाउजेंड उसने इस पैटर्न में ये फाइंड आउट किया कि वंस प्लेस पे जो है ना इन नंबर्स के क्या है तो बेसिकली इनके वंस प्लेस पे जो है दीज नंबर्स हैव ओनली द डिजिट जीरो टू फोर सिक्स एट इन वंस प्लेस तो शी डिवाइड्स दीज नंबर्स बाय टू एंड गेट्स रिमाइंडर जीरो आता था ठीक है बट अगर इन नंबर्स के अलावा जैसे सेवन है फाइव है थ्री है तो ऑबियसली दे आर नॉट डिविजिबल बाई टू तो दीज नंबर्स डो नॉट हैव जीरो टू फोर सिक्स और एट इसलिए वनस प्लेस पे इसलिए अब यहाँ पे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी सेवन या फोर तो थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी टू टू सेट विजिबल नहीं है सो लुकिंग एट दीज ऑब्जर्वेशन उसने कंक्लूड किया कि एक नंबर टू सेट विजिबल तभी है जब उसके अंदर लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एंड एट आ रहा है वंस प्लेस पे अदरवाइज नहीं नाउ डिविजिबिलिटी बाई थ्री क्या ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर टू वन नाइन जो है क्या ये थ्री से डिविजिबल हैं तो येस yes, ये थ्री से डिविजिबल है क्या ये जो नंबर्स हैं ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन टू सिक्सटी ये थ्री से डिविजिबल है नहीं कैन यू सी एनी पैटर्न इन द वस प्लेस क्या आपको वंस प्लेस पे यहाँ पे कोई पैटर्न मिल रहा है तो नहीं बिकॉज़ ये जो नंबर्स हैं विद द सेम डिजिट इन द व वंस प्लेस डिविजिबल हो भी सकते हैं थ्री से अब जैसे ट्वेंटी सेवन है ये तो थ्री से डिविजिबल है लेकिन थर्टी सेवन थ्री से डिविजिबल नहीं है ठीक है या सेवेंटीन थ्री से डिजिबल नहीं है तो लेट इस ट्राई लेट इस नाउ ट्राई टू ऐड करके देखते हैं डिजिट्स को जैसे ट्वेंटी वन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एंड टू वन नाइन तो ऑब्जर्व करते हैं टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस सिक्स नाइन फाइव प्लस फोर नाइन टू प्लस वन प्लस नाइन ट्वेल्व तो ये जो एडिशन्स है ना ये डिविजिबल हैं थ्री से तो अगर आपके पास में दो डिजिट नंबर है और आपने देखना है कि वो थ्री से डिविजिबल है या नहीं है तो आप उसको ऐड करो ऐड करने के बाद अगर वो थ्री से थ्री का मल्टीपल आ रहा है थ्री के टेबल में आ रहा है तो मींस वो थ्री से डिविजिबल है अदरवाइज वो नहीं है ऐट द डिजिट्स इसमें अगर ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन टू सिक्सटी को आप ऐड करोगे ना तो आपको सेवन टेन एंड एट ऐसे नंबर्स मिलेंगे ठीक है तो ये तो थ्री से डिविजिबल नहीं है तो हम कह है सकते हैं कि डिजिट्स का सम अगर वो मल्टीपल है थ्री का तो ही वो डिविजिबल है थ्री से जो सेवन टू टू वन है क्या ये थ्री से डिविजिबल है तो आप अगर इसको ऐड करोगे सेवन प्लस टू ठीक है नाइन हो गया प्लस टू इलेवन हो गया प्लस वन तो ऑब्वियसली इसका टोटल आ रहा है ट्वेल्व तो ये डिविजिबल है ठीक है अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाई सिक्स तो कैन यू आइडेंटिफाई नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई टू एंड थ्री क्या आप अब तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना दो या तीन से कौन से नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं ऐसा ही एक नंबर एटीन है क्या एटीन सिक्स से डिविजिबल है तो यस yes, ये सिक्स से डिविजिबल है जैसे टू इन टू थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स सो फाइंड सम मोर नंबर्स लाइक एटीन एटीन जैसे और नंबर्स आप देखिए जो कि डिविजिबल हो सिक्स के से एंड कैन यू क्विकली थिंक ऑफ अ नंबर जो कि डिविजिबल हो टू से ठीक है बट वो डिविजिबल ना हो थ्री से सो नाउ फॉर अ नंबर डिविजिबल बाय टू बट नॉट बाय सॉरी डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट बाय टू वन एग्जांपल इज ट्वेंटी सेवन इज ट्वेंटी सेवन बाय सिक्स तो नो ट्राई टू फाइंड द नंबर्स लाइक ट्वेंटी सेवन सो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन हमें ये कंक्लूड करते हैं कि अगर एक नंबर टू या थ्री से डिविजिबल है दोनों से ही डिविजल है तभी वो सिक्स से डिविजिबल होगा अदरवाइज वो सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा ठीक है मतलब वो दो तीन दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए तभी वो सिक्स से डिविजिबल होगा अगर मैं बात करूँ फोर की डिविजिबिलिटी की तो कैन यू क्विकली गिव दाइव फाइव थ्री डिजिट नंबर्स आप दे सकते हो डिविजिबल बाय फोर वन सच नंबर इज़ टू वन थ्री टू वन टू सॉरी थिंक ऑफ सच फोर डिजिट नंबर्स वन एग्जाम्पल इज वन नाइन थ्री सिक्स ऑब्जर्व करो नंबर की फॉर्म बाई वन एंड टेंस टें्लेस जो हैं वो दिए हुए हैं आपको जैसे टू वन टू तो यहाँ पे ट्वेल्व है ठीक है वनस एंड टेंस प्लेस पे तो ट्वेल्व आ रहा है तो ट्वेल्व जो है वो फोर से डिविजिबल है और वन नाइन थ्री सिक्स में थ्री सिक्स जो है वो भी फोर से डिविजिबल है तो इसीलिए ये पूरा नंबर जो है वो फोर से डिविजिबल है ट्राई द एक्सरसाइज विद अदर सच नंबर जैसे फोर सिक्स वन टू इसमें भी वन टू ट्वेल्व आ रहा है एंड थ्री फाइव वन सिक्स सिक्सटीन आ रहा है थर्टी टू आ रहा है तो ये सभी नंबर जो हैं ये फोर से डिविजिबल हैं बट क्या एटी सिक्स नंबर डिविजिबल है फोर से नहीं क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे सिक्स है ना सिक्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय फोर सो वी सी दैट अ नंबर विथ थ्री और मोर डिजिट इज़ डिविजिबल बाय फोर इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय टू लास्ट डिजिट जो है वो वन टेंस प्लेस पे अगर वो फोर से डिविजिबल है तभी तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर फोर से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी एक या दो डिजिट नंबर की चेक करने के लिए फोर को हमें पूरे नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा वो पॉजिबिलिटी तो देखनी है तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं क्या ये एट से डिविजिबल है तो यू कैन चेक दैट कि ये एट से डिविजिबल है या नहीं है लेट एस ट्राई टू सी द पैटर्न लुक एट द डिजिट देखो वन टेंस और हंड्रेड प्लेस पे क्या डिजिट है ठीक है एंड ये जो है ये ज़ीरो 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 वन जीरो फोर फोर वन सिक्स है रिस्पेक्टिवली दीज टू आर डिविजिबल बाय एट ये एट से डिविजिबल है find some numbers in which the number formed by digits at unit, tens, hundreds place that is three digit number जो है वो eight से divisible हो ऐसे कुछ numbers तो so you will find कि ये भी numbers जो है वो फिर eight से divisible है. मतलब eight से divisible ity देखने के लिए last के three numbers देख लो कि divisible हैं या नहीं है ठीक है so we find that a number four या फिर उससे ज़्यादा जो digits हैं वो एट से डिविजिबल है या नहीं है कैसे पता लगता है अगर जो लास्ट थ्री डिजिट्स नंबर हैं अगर वो एट से डिविजिबल हो रही हैं तो ठीक है so, सो यहाँ पे आप डिविज और यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि अगर आपको वन टू थ्री डिजिट के नंबर ही दिए हुए हैं उसकी डिविजिबिलिटी आपने चेक करनी है तो आप एक्चुअल डिविजन करके ही चेक कर सकते हो नाउ डिविजिबिलिटी बाय नाइन जो मल्टीपल्स हैं नाइन के वो है नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर तो देयर आर अदर नंबर्स हैं जैसे कि फोर सिक्स जीरो एट फाइव टू एट थ्री क्या ये नाइन से डिविजिबल हैं तो इसका पैटर्न देख लेते हैं सो व्हेन द डिजिट्स ऑफ दीज नंबर्स आर एडेड जब आप इनको ऐड करोगे तब आपने देखना है इनका सम डिविजिबल है या नहीं है जैसे वन एट नाइन है ना वन एट इज़ इक्ल्स टू नाइन टू सेवन इज ल्स टू नाइन थ्री सिक्स नाइन फोर फाइव नाइन फोर सिक्स ज़ीरो एट एटीन फाइव टू एट थ्री एटीन तो ये डिविजिबल हैं ठीक है थीके? तो आपने आ, मतलब इनका टोटल नंबर देखना है कि ये डिविजिबल है नाइन से या नहीं है इनका सम करके आप देख लेंगे तो ऑलरीज नंबर आर डिविजिबल बाय नाइन तो ऐसे ये वाला नंबर है इसको देखे तो ये ट्वेंटी आएगा तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय नाइन तो ये ऑब्जर्वेशन हमें बताती है कि अगर सम जो है डिजिट्स का ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय नाइन तो पूरा नंबर जो है वो नाइन से डिविजिबल होगा इलेवन देखें तो जो नंबर्स हैं थ्री जीरो एट वन थ्री थ्री वन सिक्स वन एट ज़ीरो नाइन क्या ये सारे नंबर्स इलेवन से डिविजिबल हैं तो वी फॉर्म अ टेबल सी इफ द डिजिट्स जो हैं इस नंबर में लीड अस्तू कुछ पैटर्न देते हैं या नहीं देते हैं जैसे ये नंबर्स हैं एट प्लस थ्री इज इक्ल्स टू इलेवन वन प्लस थ्री इज इक्ल्स टू फोर ठीक है सम ऑफ ऑड प्लेसेस का कर रहे हैं और इवन प्लेसेस का कर रहे हैं सम नाइन एट सिक्स जो है इसका ट्वेंटी थ्री आ रहा है थ्री प्लस वन फोर जीरो प्लस वन वन तो फिर ये अब माइनस भी कर रहे हैं डिफरेंस देख रहे हैं इलेवन माइनस जीरो इलेवन फोर माइनस फोर जीरो ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस वन ट्वेंटी टू तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंस आ रहा है ना इधर ज़ीरो या फिर वो डिविजल है इलेवन से ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय इलेवन तो मतलब आपने क्या करना है पहले ऑड नंबर्स को ऐड करना है फिर ईवीन नंबर्स को ऐड करना है फिर आपने माइनस करना है तो जो डिफरेंस आएगा वो आपने देखना है अगर ज़ीरो आ रहा है तो ठीक है नहीं तो फिर जो नंबर्स होंगे वो इलेवन से डिविजल होंगे ही होंगे ठीक है सो so फॉर दूसरे नंबर्स जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो ये ट्वेल्व आ रहा है तो ट्वेल्व इज़ नॉट डिविजिबल बाय इलेवन सो फाइव जीरो एट वन इज़ नॉट डिविजिबल बाय इलेवन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में दिस...